तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पाला आर्ट। पाला आर्ट में क्वेश्चंस कुछ ही इस तरह से पूछता है। सेलियंट फीचर ऑफ पाला आर्ट, कभी कभी पहले क्रिटिकली लिख देता है, क्रिटिकली एग्जामिन सेलियंट फीचर ऑफ पाला आर्ट और क्रिटिकली एग्जामिन सेलियंट फीचर ऑफ पाला आर्किटेक्चर। हम सब लोग जानते हैं कि आर्ट एक बड़ा फॉर्म होता है। आर्ट में ही आर्किटेक्चर आता है, आर्ट में ही पेंटिंग आता है, आर्ट में ही और अदर चीज़ें आती हैं, म्यूजिक आर्ट में ही आता है। तो आर्ट का मतलब हो गया कि बहुत बड़ा, मतलब जो भी चीज़ें थी पाला में, जैसे आर्किटेक्चर है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है या और भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो सब आर्ट में आ जाएंगे। तो हम ये कह रहे थे क्वेश्चन यदि क्रिटिकली आता है तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है, उससे ज़्यादा ये नहीं करना है कि हमें निगेटिव स्टेटमेंट करने हैं पाला के बारे में। नहीं, आप आंसर को देखिए, उसके बाद आप खुद रियलाइज करेंगे कि कहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जनरली क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है पाला आर्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाला से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग ऐसे करते हैं हम कुछ। द ब्राइटेस्ट एस्पेक्ट ऑफ पाला ग्लोरी वॉच मैनिफेस्ट इन द फील्ड ऑफ डिफरेंट आर्ट्स, डिस्टिंक्टिव अचीवमेंट्स ऑफ पालाज आर सीन इन द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, टेराकोटा पेंटिंग एंड वॉल पेंटिंग्स। वॉल पेंटिंग को मुरल भी कहते हैं। नेक्स्ट मेजर लोकेशन देखते हैं। मेजर लोकेशन मेनली फाउंड इन टूडे बिहार, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। ये जो मैप देख रहे हैं, ये बिहार एंड बंगाल और ये जो आज का बांग्लादेश है प्रेजेंट का, ये पूरा जो पोर्शन था ये पालास के पास थी, तो पाला का लोकेशन ये था। अब डायरेक्ट देखते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। कुछ बात करने से पहले उसका कुछ फीचर देख लेते हैं। सेलियंट फीचर ऑफ आर्किटेक्चर इन दिस रीजन, नंबर फर्स्ट, द बिल्डिंग हैड अ कर्व और स्लोपिंग रूफ एज इन बैम्बू हट्स। जैसे बैम्बू हट में नहीं होता है एक कोन की तरह, उसी तरह से ये स्लोपिंग कर्व था। दिस बिकेम पॉपुलरली नॉन एज बांग्ला रूफ एंड वॉज लेटर एडॉप्टेड बाई मुगल आर्किटेक्ट। सिंपल सी बात है, 8th टू 12th सेंचुरी पालास थे, उसके बाद जो भी लोग आएंगे तो यदि उनको कुछ अच्छा लगेगा तो वो अडॉप्ट करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स इसके बाद आए थे, तो वो लोग अपने आर्किटेक्चर में अडॉप्ट करेंगे, इस तरह की कुछ बातें होंगी। एटलीस्ट उस रीजन में जो बंगाल और बिहार का रीजन है वहां तो ये अडॉप्ट करेंगे। नंबर सेकेंड, मोस्ट ऑफ आर्किटेक्चर वर रिलीजियस बोथ बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। ये तो एक कॉमन सी बात है, क्योंकि आज भी जब हम लोग मेजर ऑफ आर्किटेक्चर बनाते हैं वो रिलीजियस होता है। उस समय मेजर जो रिलीजन से बुद्धिज्म और हिंदुइज्म थी, तो इससे वो मोटिवेट हो ये कोई बड़ी बात या नई बात नहीं है। नंबर थर्ड, मटेरियल्स, मटेरियल्स में जो इन्होंने यूज किया था वो बर्न्स ब्रिक्स एंड क्ले, और बर्न्स ब्रिक्स को हम लोग टेराकोटा ब्रिक्स कहते हैं, ये प्रिंसिपल मटेरियल्स थे। सो मटेरियल्स में क्या यूज हुए थे, बर्न्स ब्रिक्स एंड क्ले नॉन एज टेराकोटा ब्रिक्स वॉज प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल। एक आर्किटेक्चर का एक हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, आर्किटेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इसका। तो आर्किटेक्चर शुड स्पीक ऑफ इट्स टाइम एंड प्लेस बट ईयर्स फॉर टाइमलेसनेस। ये लिखने के बाद आप इस तरह से डिटेल्स एनालिसिस ऑफ पाला आर्किटेक्चर साइट्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वेरियस महाविहारास, स्तूपास, चैत्यास, टेम्पल्स एंड फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड। मोस्ट ऑफ दिस बिल्डिंग्स हैव वैनिश्ड, लिविंग नो एक्सटेंट आर्किटेक्चर फ्रॉम दिस पीरियड एंड मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट अ सिस्टमेटिक ओवरव्यू ऑफ द आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। देखिए ये एक क्रिटिकल तो सिचुएशन ही है, ये क्रिटिकल सिचुएशन है, तो यहां पर इंक्लूड होता जा रहा हमारे आंसर में। तारानाथ, तिब्बतन मॉन्क हिस्ट्रियन स्टेट दैट गोपाल वॉज अ स्टंच बुद्धिस्ट, बिल्ड द फेमस मोनास्ट्री एट ओदंतपुरी बिहार शरीफ। नेक्स्ट, धर्मपाल एस्टेब्लिश द विक्रमशिला, विक्रमशिला दैट मीन्स जो भागलपुर में है, एंड सोमपुरा ये बांग्लादेश में आज है महाबिहार। देवपाल री एस्टोर्ड एंड इन लार्ज द स्ट्रक्चर, और मेरे ख्याल से इस नोट को जरूर लिखना चाहिए आपको, क्योंकि इससे आंसर इनरिच्ड होती है और आप दिखाते हैं कि आप पूरी तरह से पालास आर्किटेक्चर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नोट में देख लीजिए, सोमपुरा महाबिहार जो पहाड़पुर बांग्लादेश में है इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ टेंजिबल लिस्ट प्रो प्राउडली अनाउंस द एक्सीलेंस ऑफ द आर्किटेक्चरल आर्ट अचीव्ड इन पाला पीरियड। इससे पता चलता है, जो सोमपुर महाविहार है उसको देखने से ये पता चलता है कि नहीं, आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन थी, आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस थी, वो काफ़ी बड़ी थी वहाँ पर। और आपने देखिए, सोमपुर एटलीस्ट इंडिया में नहीं है, लेकिन आपने बांग्लादेश को भी इंक्लूड करके, चूँकि वहाँ तक इनकी इम्पायर थी, तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे।
अकॉर्डिंग टू द तिब्बतन सोर्सेज ड्यूरिंग द पाला पीरियड फाइव ग्रेट महाविहारास बांग्लादेश में दो थी, सोमपुरा एंड जगदला। जगदला को आज वरिंद्रा भी कहते हैं। बिहार में तीन साइट्स थी, नालंदा, विक्रमशिला एंड उदंतपुरी। ये पांचों जो साइट है मिलकर फॉर्म्ड अ नेटवर्क अंडर द स्टेट सुपरविजन। स्टेट सुपरविजन के ही थ्रू थी ये। नोट यहाँ पर एक और कर सकते हैं हम लोग, नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय कुमार गुप्त बाय गुप्ता एम्पायर कंसीडर वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट यूनिवर्सिटी इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री रीच्ड इट्स हाईएस्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पालास। देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने फाउंड नहीं किया था पालास ने, वो तो कुमार गुप्त ने किया था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करना या फिर उसको फंडिंग करना उस यूनिवर्सिटी को जीवित रखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि उस आर्किटेक्चर से इनको काफी लव था और उसको इन्होंने पेट्रोनेस दिया। और यही टाइम पीरियड था 7th to 8th century जहां पर कि नालंदा यूनिवर्सिटी काफी पिक पर थी। और हम जानते हैं कि जस्ट उससे पहले कुछ ही साल पहले हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसंग आया था, एक सेलिब्रेटेड स्टूडेंट था नालंदा यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट हम पाला टेम्पल्स के बारे में देखते हैं। व्हाइल द पालास वर सेलिब्रेटेड एज पैट्रॉन्स ऑफ मेनी बुद्धिस्ट मोनास्टिक साइट्स द टेम्पल्स फ्रॉम दैट रीजन्स आर नॉन टू एक्सप्रेस द लोकल बंगा स्टाइल। चूंकि ये बंगाल का रीजन था तो बंगा स्टाइल से ही यहाँ पर जो टेम्पल्स बनेंगे वो बनेंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि ये बुद्धिस्ट फॉलो करते थे लेकिन वो टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट करते थे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कुछ फीचर्स देख लेते हैं पालास टेम्पल के। तो चीफ फीचर्स ऑफ पाला टेम्पल्स, ये आपका हेडिंग होगा और नेक्स्ट इस तरह से लिखा जाएगा आंसर में। द टेम्पल हैज अ टॉल कार्विंग शिखर क्राउन्ड बाय अ लार्ज आमलक सिमिलर टू द कंटेम्पररी ओडिशा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। उसी टाइम पीरियड पर ओडिशा स्कूल भी एक डेवलप्ड हो रहा था जिसमें कि कोणार्क वगैरह आते हैं। कोणार्क थोड़ा सा लेटर में है लेकिन हम रिलेट कर सकते हैं पाला से। तो इस तरह का कुछ वो आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट कीजिए इसको, फिर शिखर, ये जो चार पॉइंट है, शिखर, आमलक, कलश एंड फ्लैग। हर एक टेम्पल पर एक अपना फ्लैग होता है और वो डिफरेंट फ्लैग होता है। तो कभी भी जब टेम्पल बनाए तो फ्लैग जरूर बनाए क्योंकि हर एक टेम्पल का, मंदिर का अलग फ्लैग होता है। और इस तरह से ये बढ़ रहा है। आप इन सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट करके आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब कुछ देख लेते हैं मेजर जो टेम्पल्स थे उनके कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि नहीं ये टेम्पल्स इस टाइम पीरियड में बने थे। दैट मीन्स ये नंबर फर्स्ट द 8th-9th century सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल एट बराकर इन पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। द रॉक कैप टेम्पल एट कहलगांव, कहलगांव जो कि आज भागलपुर के पास है। एंड नंबर थ्री द अर्ध मंडप ऑफ विष्णुपाट टेम्पल एट गया एंड सूरजगढ़ एटसेट्रा। विष्णुपाट टेम्पल्स गया और रॉक कैप टेम्पल कहलगांव एंड सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल बराकर जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये पश्चिमी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के बाइफर्केशन के बाद अब ये बराकर जो है पश्चिमी बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आ गया। तो ये नोटेबल एग्जाम्पल जरूर वहां पर नोट करें टेम्पल आर्किटेक्चर के साथ। नेक्स्ट अदर फीचर्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हम देखते हैं, नंबर फर्स्ट वर्क ऑन द वॉल ऑफ टेम्पल, नंबर सेकेंड दे आर द मोस्ट डेकोरेटेड वंस मेड ऑफ ब्लैक एंड ग्रे सैंड स्टोन, नंबर थर्ड शिखर दैट मीन्स पिनेकल्स आर डेकोरेटेड विथ फ्लोरल डिजाइन जनरली लोटस एंड मैथोलॉजिकल फिगर्स। ये जो थ्री जो करेक्टरिस्टिक्स है ये जनरल करेक्टरिस्टिक्स है, आप किसी भी टेम्पल आर्किटेक्चर में आप इसको लिख सकते हैं। सो नोट डाउन। अब हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्कल्पचर का। अभी तक चूंकि हम आर्ट के बारे में डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने आर्किटेक्चर को डिफाइन किया, फिर स्कल्पचर को डिफाइन कर रहे हैं अभी, और नेक्स्ट हम पेंटिंग को देखेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट स्कल्पचर। स्कल्पचर जो है इसको बनाने के लिए बोथ स्टोन एंड मेटल्स का यूज किया गया है। द एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द पाला डायनेस्टी डेमोन्स्ट्रेटेड द इमर्जेंस ऑफ पाला स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट जो कि 8th-12th century AD तक रहा। गुप्ता ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट विथ इनकॉर्पोरेटेड लॉट ऑफ लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंगाल इन द म्यूजियम ऑफ बिहार वेस्ट बंगाल बांग्लादेश। द मोस्ट नोटेबल एग्जिबिट्स आर इनुमेरेबल ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स ऑन राजमहल हिल्स ब्लैक बसाल्ट स्टोन। जो ये बने हुए हैं ना वो मेजर जो स्टोन्स हैं वो राजमहल हिल से लिए गए हैं जो कि ब्लैक बसाल्ट स्टोन होता है। द आर्टिस्टिक्स जीनियस ऑफ बंगाल स्कल्पटर्स ब्लूम्स टू परफेक्शन इन द पीरियड। ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ बंगाल कैन टू बी रिकॉग्नाइज एज स्पेसिमेन ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ मैच्योर्ड आर्ट एंड स्पेशलिस्ट थिंग्स दैट द बंगाल ब्रॉन्ज इन्फ्लुएंस द आर्ट इन साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज। फॉर स्कल्पचर्स ऑफ दिस रीजन बोथ स्टोन एज वेल एज मेटल यूज, हमने ये पहले भी देखा।
The figures were unique in their highly lustrous finish. Some noted sculptures देख लेते हैं example, जैसे कि हमने temple architecture में कुछ temples के examples देखे थे, उसी तरह से हम sculpture में कुछ देख लेते हैं जो कि प्रिजर्व एट पटना म्यूजियम है. नंबर फर्स्ट, द गॉडेस दुर्गा किलिंग द बुफेलो डेमोन महिषा, दैट मीन्स महिषासुर मर्दिनी, ये जो स्कल्पचर है उसको महिषासुर मर्दिनी कहते हैं. नंबर सेकेंड, द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ये बुद्धा का स्कल्पचर है. नंबर थर्ड, सीटेड सिक्स आर्म्ड शिवा एज कंक्वेरर ऑफ डेथ, जिसको मृत्युंजय भी कहते हैं. तो ये तीन नोटेड स्कल्पचर हुए जो कि पटना म्यूजियम में है. इसको जरूर आप नोट करेंगे जब आप टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में लिख रहे होंगे. तो नेक्स्ट हम, चूंकि हमारा आर्किटेक्चर स्कल्पचर हो गया है, अब पेंटिंग देखते हैं. दिस आर ऑल्सो आर्ट फॉर्म, जीनियस ऑफ पेंटिंग आर्ट, इस तरह से कुछ हेडिंग लिखेंगे. द पाम लीफ पेंटिंग ऑफ द पाला पीरियड आर नोट वर्दी, द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ ब्रॉन्ज एंड पेंटिंग्स वर द ग्रेट बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एट नालंदा एंड कुर्की आर, एंड द वर्क वर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट साउथ ईस्ट एशिया. देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, जो मेन सेंटर ये बता रहे हैं, क्योंकि जो मेसर जो साइट होंगे वही ना ये करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो जो स्टेट फंडेड भी होती थी चीज़ें, पेंटिंग्स भी, कुछ पेंटिंग्स इंडिविजुअल भी होती थी, लेकिन मेजर अब जो पेंटिंग्स हैं वो स्टेट फंडेड होती थी, नहीं तो फिर पेंटिंग करेगा कौन. सो मेजर साइट में आपको देख रहे हैं नालंदा, कुर्की आर, ये सारे साइट्स थे जहाँ पर कि काफ़ी पेंटिंग फेमस होते थे. अकॉर्डिंग टू तारानाथ, रिफर्स टू टू आर्टिस्ट्स ऑफ द रीजन ऑफ द रेन ऑफ धर्मपाल एंड देवपाल. धर्मपाल और देवपाल के समय में दो लोग, धीमन एंड बिटफाल. धीमन फादर था, विटफाल सन था. हेलिंग फ्रॉम वरेंद्रा, वरेंद्रा दैट मीन्स बांग्लादेश, दे वर्क पेंटिंग एंड मेटल कास्टिंग. धीमन जो है पेंटिंग पर काम किया और विटफाल जो है वो कास्टिंग पर काम किया, मेटल कास्टिंग पर. धीमन फाउंडेड द ईस्टर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग, द सन विटफाल इनिशिएटेड द ईस्टर्न स्टाइल इन मेटल स्कल्पचर. Countless images testifying to the artistic activity in the early Pala period have been discovered at various places of Bihar, West Bengal, Bangladesh. Most of these images are Buddhist in subject. उसी तरह से अब हम notable center देख लेते हैं कि ये जो painting या फिर जो metal casting हो रही थी वो कहाँ कहाँ होती थी mainly. कुर्कीहार जो कि गया में है, बोध गया, नालंदा, भागलपुर, बिहार शरीफ, ये बिहार के सारे centers हैं. In many Vajrayan and Tantrayan Buddhist manuscript appears the beautiful paintings of the Buddhist religions. The art of painting is manifest is more than 400 odd paintings or 400 odd paintings that appears in the so far discovered 24 painted manuscript of Panch Raksha, Asht Sahasrika, Pragyan, Pramita. और उसी तरह से ये पंच विनिक्स ती सहस्रिका प्रज्ञान प्रमिता, ये नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, टेढ़ा नाम है ये, एंड अदर टेक्स्ट पर ये पेंटिंग्स जो है उकेरी गई हैं. यहाँ पे वज्रयान एंड तंत्रयान को मेंशन कीजिएगा, क्योंकि देखिए महायान जो बुद्धिज्म का जो पहला पार्ट था वो फोर्थ काउंसिल के बाद, मतलब कि बाइफर्केशन हो गया उसका, उसके बाद सॉरी पहले हीनयान था और हीनयान फोर्थ काउंसिल के बाद बाइफर्केशन होता है, महायान बनता है, और महायान के बाद बहुत सारे इसमें सेक्ट्स आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें वज्रयान तंत्रयान ये सब आते हैं. और गुप्तास और पालास के समय ये सारे काफी फेमस बुद्धिस्ट सेक्ट्स थे जिसमें वज्रयान तंत्रयान थे. तो इनकी जो अब नेक्स्ट टेक्स्ट होंगी जिसमें ये सारे टेक्स्ट हैं, प्रज्ञान प्रमिता ये सब देख लेंगे, पंचरक्षा, इसमें जो पेंटिंग्स कहीं कहीं डाली गई हैं वो सारे पेंटिंग्स यहाँ से ली गई हैं. और फाइनली हम इसको कंक्लूड करते हैं. तो कंक्लूजन में आप इसी चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं अपने शब्दों में, जैसे मौर्यास आर्ट में भी हम देखेंगे तो वहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, तो आप वहाँ से देखकर कुछ चीज़ों को और ज़्यादा यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे कि कंक्लूजन कैसे लिखते हैं. तो सबसे पहले मुझे आशा है कि आपको इससे कुछ मिला होगा बेनिफिट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के लिए आप